सुबह सुबह हमारे पास आए जी ज़ारा और अब्दुल्ला बैठाने के लिए। कासिम साहब सोए हुए हैं, आसिम साहब भी सोए हुए हैं लैपटॉप ऑन कर के, और मावे साहब भी इधर। हम ज़रा वीडियो पे काम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग में आपको शामिल कहते हैं, मैं हुराना सली, दुआ करते हैं अल्लाह ताला तमाम परेशानियों की परेशानी दूर करें, और जो लोग किसी मुश्किल में अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करे, और जब तक उसके अंदर रहते हैं अल्लाह ताला उन्हें इस पर सब्र दें और अल्लाह ताला उन्हें इसका अजर दें। सूरज भाई जान नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन धुंध छाई हुई हर साइड पर, और वक्त जब तकरीबन अढ़ाई का हो चुका है। हवा चल रही ठंडी ठार। ज़ारा फातिमा और मैं हम कर रहे थे गली में वॉक, और अब आ गई कॉल नाश्ते की। नाश्ता आज फिर नहीं किया, इतना लेट हो गया नाश्ता हमारा। तो ज़ारा नाश्ता कर ली है, चलो और खाएं जाके नाश्ता, और नाश्ता करते हैं, ठीक है? आ जाओ। और ज़ारा ने कैप भी अब्दुल अहद की पहनी हुई है, चलो आज चलें घर पे। अब्दुल अहद भी पहनता है, आपने उसकी शर्ट से उतार के तो खुद पहन ली है। इतनी ठंड है और बच्चे जो है वो जा रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए, वो बातें लगा रहा है खड़ा होकर गेंद बैट पकड़ के। खैर जी, हमें अब निकलना चाहिए घर को। मुझे एक लड़की की कॉल आई थी, उसने थोड़ा वो इन्फॉर्मेशन लेनी थी, उसके इन्फॉर्मेशन देते देते तकरीबन आधा घंटा हो गया, क्योंकि फिर और दोस्त आ गए, फिर और बच्चे आ गए, उनसे हेलो हाय करते करते जब हमें इतना टाइम हो गया, और नाश्ता चाहे ठंडा हो गया वो हमारा बना पड़ा। ज़रा वो चुचू किसके हैं? आपके चुचू हैं? पकड़ो जाके उन्हें, पकड़ो ना, जाओ पकड़ के लाओ। और ये बच्ची मेरे लिए चीज़ लेके आई है, मेरे लिए लाई हो? नहीं, किधर जा रही हो इतनी ठंड में, किधर जा रही हो इतनी ठंड में? छपाड़ा बनने। चलो जाओ भाग। किसको? इसने भी जाना, ज़ारा ने भी जाना। चलो, वो कह रही मैं मामा के साथ आऊँगी। चलो, ज़ारा भी तैयारी कर ली है, वजू कर ली ज़ारा ने। चलो शाबाश। फिर आ गई जी हमारे पास दाल और अब्दुल अहद का हाथ, साथ में जी हमारे पास रोटी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। अभी आ गए हमारे पास दूध पत्ती चाय, तो साथ साथ मैं कर रहा था वीडियो पे काम, और हम जो है वो चाय इन्जॉय करते हैं साथ। और हम यहाँ बैठे हुए थे, कुछ गप्पियाँ लगा रहे थे, और अचानक प्लान बना एक मील का, जो कासिम साहब जो है वो सुबह जा रहे हैं वापस इस्लामाबाद। तो फटीक जो है वो तकरीबन मुझे पड़ गई है, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला मुझे ज़्यादा देगा इंशाल्लाह। ऐसे लोगों को खिलाना भी सदका होता है। जो का पहाड़, लेकिन रिश्तेदारों को खिलाना, अपनी फैमिली को खिलाना, अपने बच्चों को खिलाना सदके की कैटेगरी में आता है। आप भी जाओ दिल खोल के खर्च किया करें अपनों पे, मैं भी आपका अपना हूँ, सही है? चूंकि सामान सारा लेने जा रहा है कासिम, तो आगे का व्लॉग सारा जो है वो कासिम कैप्चर करेगा, आगे का व्लॉग कासिम के नाम। चलो अभी मैं दरवाजे से बाहर निकला हूँ, और यहाँ के आप सीन्स मिलाएगा फरमाएं जरा, दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा, आई मीन पास पास तक कुछ नजर नहीं आ रहा, धुंध इतनी ज्यादा के कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, ये कौन है पता नहीं, धुंध इतनी ज़्यादा है कि आगे कुछ खास नज़र आ नहीं रहा, लेकिन अब जाना है तो जाना है। अगर आप लोगों को बाहर जाके रोड के सीन दिखाते हैं, देख सकते हैं आप धुंध कितनी ज़्यादा, इधर कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, और ये बस स्कूल की लाइट्स नज़र आ रही हैं, और इसका जो ऊपर इन्होंने नेम लिखा हुआ है सिटी स्कूल, वो भी बहुत मुश्किल से नज़र आ रहा है। ये देख सकते हैं आप धुंध कितनी ज्यादा है, ये देख सकते हैं आप धुंध कितनी ज्यादा है, और इधर कोई चीज नहीं नजर आ रही है। आहिस्ता 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 हम लोग जा रहे हैं, अल्लाह खैर रखे। बस देख सकते हैं आप लोग, मोटरसाइकिल वाले ना हेलमेट पहना, बल्कि हमारे ड्राइवर भाई ने भी नहीं हेलमेट पहना हुआ, और इधर तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, लगता लाइट चले गई है, आगे अंधेरा, सारे स्लो 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 जा रहे हैं सारे, इस टाइम हम पता नहीं किधर पहुंच गए, हमें समझ ही नहीं आ रही है हम कब के कभी किधर जा रहे हैं कभी किधर, और ऊपर से मेरे ख्याल आई थिंक लाइट भी चले गई है, और कुछ नजर भी नहीं आ रहा इस साइड पे, इतनी ठंड है, बंदा भी नहीं नजर आ रहा, लगता है इन्होंने नीचे आना है, अंकल साइड पे जी अंकल। कार्स भी स्लो स्लो जा रही हैं, बस इतनी धुंध है। ये इधर इन्होंने ये रखे हुए हैं, क्या कहते हैं इसको,
इसको। वो जो रेड कलर के पड़े थे सेफ्टी डिवाइडर। हाँ जी सेफ्टी डिवाइडर, ये आपको अगर नजर आ रहे हो तो धुंध इतने है कि मेरा हाथ फ्रीज हो गया है, देख सकते हैं आप धुंध धुंध धुंध। इस सर्दी ने तो मजाक करने लग रही सर्दी, रिश्के वाले भाई को लगता है ठंड नहीं लग रही, स्पीड स्पीड में भगा रहे हैं, उनको ये है कि जल्दी जल्दी बस मैं घर जाऊं। ओए ओए ओए, ये गाड़ी आपको नजर आ रही है आप देख रहे हैं ना, ये हम पे आ गए हम चरखा लेने, लेकिन हाथों की हालत बड़ी ख़राब हो गई थी, तो खैर मैंने उसको चरखे का ऑर्डर दे दिया, अभी चरखे लग रहे हैं और अभी हाथ थोड़े सीखे हैं तो थोड़े जो है ना हाथ फले हैं, वरना तो बाइक चला चला के हाथ ख़राब हो गए थे। और ये रावली चौक है, ये रावली चौक की हालत है। फिर मजे की बात यह है कि चरगे हमारे रेडी होके आ गए, यहाँ से लिए हमने चरगे, अब यहाँ से हमें चाहिए प्लेन राइस। जसवंत कह रहे थे वो भी लेके आने हैं, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि दम लगा हुआ है चावलों पे, तो जैसे ही वो चावल रेडी होते हैं तो वो भी ले लेते हैं। अभी जब तक चावलों पे दम लगा हुआ है उनका टाइम है 10 मिनट, तो तब तक हम बाकी चीज़ें पूरी कराते हैं, तो बाइक निकालते हैं और इधर ऊपर से ही चलते हैं। अच्छा यहाँ से हमने कुछ चीज़ें लेनी थी, जो वो हमने ले लिया, बंद गोभी और कुछ दो चार चीज़ें लेनी थी वो हमने ले ली अब यहाँ से, और अब हम यहाँ से आगे निकल रहे हैं चावल लेने के लिए। तो आई होप कि अब 10 मिनट हो गए हैं उसके, अदरवाइज़ हमें सर्दी में और घूमना पड़ेगा, तो लेट्स सी कि अब कितना सर्दी एंजॉय कर सकते हैं हम ये वाली। अभी मैं बैठा हूँ दुकान पे चला रहा है जब तक चावल बन के रेडी होते हैं, और तब तक मुझे लग रहा है कि जो चरखे हैं ये ठंडे हो गए हैं, हमें चरखे पहले ले कर थोड़ी गलती करती है, लेकिन ये जो ये मसला है ना, ये चावल जो रेडी नहीं है इसकी वजह से भी ठंडे हो सकते हैं। अच्छा वहाँ से तो हमें चावल मिलने में टाइम था, तो मैंने कहा इससे पहले कि चरिए ठंडे हो जाएं, तो मैंने दूसरी दुकान से अब चावल ले लिए, अब यहाँ से ये कर रहे हैं चावल पैक, तो फिर जाके मिलते हैं आपको बाकी घर। अभी मैं दही लेने के लिए यहाँ रुका हूँ, और आप ये गली की हालत देखें, एक तो ये नज़र मारे ज़रा क्या हालात हैं, और ये यहाँ पर देखें लाइट नहीं है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा अभी। सलाम अलैकुम, चीज़ें आ गई हैं आपकी, मुझे लग रहा था पैसे कम हो जाने हैं, बाद में मैंने जब कैलकुलेशन की तो एक दो चीज़ें बीच में एक्स्ट्रा थी। कौन ही वो मैंने कर लिया था मैनेज, कितने कम हुए बताओ, मैं भेज दे देता हूँ। हो गया मसला, आ जाओ रेड, इधर लेके आए या उधर, क्या करना है बताएं। इतना मैंने खर्चा किया, इतनी मेहनत, अब आपके बिस्तर पे आपको खाना चाहिए? नहीं हाँ, प्लान ये था कि सारे इकट्ठे बैठे खाएंगे, तो चलो फिर उधर ही। बाबा आए? बाबा अभी नहीं आए शायद, आने वाले, उनको आ लें तो तब तक तैयारी करते हैं, फिर जब आएंगे फिर मिलकर खाएंगे। चलो ठीक है ओके, मैं कॉल करता हूँ फिर। मैंने भी जल्दी जल्दी अपनी वीडियो का काम कंप्लीट कर लिया, अब चलते हैं अंदर और जाके तैयारी स्टार्ट करते साथ, तब तक भाई भी आ जाएंगे। ये हमारा पंजाबियन बॉयस बॉयस बॉय, अब तो एक्स होने वाले, एक्स पंजाबियन होने वाला है, तो मैं उस पर जाके बुलाऊँ आपको, मज़ा आएगा। मुँह पानी आ रहा है ना? नहीं। बोलो आ रहा है? नहीं आ रहा है, झूठ नहीं बोलता। मैंने ये तो नहीं बोला आप झूठ बोले सच बोले, मैंने सिर्फ ये बोला कि आप बोलो कि आ रहा है, बस झूठ हुआ ना? नहीं झूठ हुआ, जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक जुमला बोलो, आपने वो जुमला बोलना है, मतलब आपने मेरी बात मानी, आपने बस जुमला रिपीट करना है, आपने ये थोड़ी बताना है कि वाकई आ रहा है नहीं आ रहा। हाँ बोलो आ रहा है। जहर सी बात है भाई, सी एस किया भाई, इतने को तो लॉजिक्स बनाने आते हैं हमें। यहाँ पे इंजॉय हो रही है जी, आग तैयारियाँ स्टार्ट हो गई हैं, और ये बच्ची है सेम एज की मेरे एक्सीडेंट की एज की, आपको पता है आपकी एज कितनी हो गई है? 3 साल और 4-5 दिन हो गई है, पता है? और ये दोनों कजन लड़ाई कर रहे हैं, बेचारा चीखे लगा रहा है बाबा बाबा, और यहाँ पे बैठी हुई बच्चा पार्टी ठीक एंजॉय कर रही है। बाय 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 हो गया, बाय बाय हो गया। और जी दी लेजेंड
हमारे मैकेनिक बैजमा साहब, गाड़ी कहाँ तक पहुँची है आपकी? गाड़ी वहीं खड़ी है, ना मैं हिल पा रहा हूँ ना गाड़ी हिल पा रही है, ये अब क्या बनता है। और तैयारी में जब सिटिंग प्लेस भी तैयार होना शुरू हो गई है, अब इसमें जब काफी सारी अमेंडमेंट होनी है, बट देखते हैं कैसा रहता है। जिनका टीवी बंद किया ना वो अच्छे देखो। अच्छे लगे लगे लगे। और ये बच्ची जब बात कर रही है कॉल पे, किसकी कॉल आई है? बाबा की, बाबा की कॉल आ गई इस बार को। और भाई इसमें जब तैयार करेंगे हमारा दस्तरखान आज का, क्योंकि हमारे पास जब जरा वैरायटी ऐसी है। और ये सबसे पहले खुलने लगा जी हमारे पास चिकन, स्टीम चिकन और इस तरह का। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा फर्स्ट स्टेप जो है कम्प्लीट हो गया, माशाल्लाह चिकन जो आ गया, और अब जो जरा राइस का नंबर आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा सफरा जो है बेहतरीन तैयार हो गया, और इसका क्रेडिट जाता है मुझे और थोड़ा सा बैजमत को। थोड़ा सा बाकी सारी प्लानिंग जो मेरी थी। अब मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ ये कैसा, आप थोड़ी देर रुके जरा। नहीं टेस्ट बाद में इकट्ठे करते हैं। अच्छा हाँ, ये मैं वो भी क्रेडिट आपने ले लेना इसलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जबरदस्त है, लेकिन आज ये पार्टी खिला कर रहा है ये चाचू असल। और साथ में स्पाइसी करने के लिए मिर्ची भी खानी चाहिए। जबरदस्त और जी अल्हम्दुलिल्लाह खाने के बाद आ गए जी हमारे पास मिरुंडा शरीफ, और ये वाला लड़का जो है ना वो खींचने आ गया मेरे से। ले लो सारे बच्चे ले लो। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे पास आ गई है अब चाय खाने के बाद, और बड़ा मजा आया खाने का भी। अब चाय जरा एंजॉय करते हैं।